अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों से कुछ इम्पॉर्टेंट बातें शेयर करने के लिए आई हूँ। सब लोग काफ़ी हद तक लॉकडाउन में मदद कर रहे हैं। लॉकडाउन के लिए पुलिस भी बहुत ही ज़्यादा सख्ती दिखा रही है, जो कि सही भी है, दिखानी भी चाहिए। लोग भी लॉकडाउन का काफ़ी हद तक पालन भी कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले शुरू शुरू में तो लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं, अभी भी खैर घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक लोग समझ चुके हैं। लेकिन क्या आप लोग उन मजदूरों के बारे में सोच रहे हैं जो मजदूर कई कई किलोमीटर तक पैदल चलते हुए चले आ रहे हैं? सोचिए फ्रेंड्स, हाथों में झोला लेकर, सिर पर गठरी लेकर कई किलोमीटर, हजारों मीटर पैदल चलते हुए चले जा रहे हैं। कहाँ पर अपने घर जा रहे हैं वो, कि क्यों जा रहे हैं वो भी नहीं जाना चाहते हैं। यहाँ से वो आए ही यहाँ पर किस लिए? कमाने के लिए आए हैं। अब उनके पास पैसे ही नहीं है, ना उनके पास खाने के लिए चीज़ें हैं, तो वो क्या करें? और जिनके पास पैसे भी हैं तो उन्हें दुकानदार जो हैं, कितने दुकानदार ऐसे हैं कि वो स्टोर करके खुद रख लिए हैं। तो प्लीज़, अगर आप लोगों पास कोई ऐसे लोग दिखते हो ना, तो उन्हें प्लीज़ खाना खिलाएं, उनसे उन्हें समझाएं कि हम आपको जब तक लॉकडाउन चल रहा है खाना खिलाएंगे, ताकि वो लोग भी यहाँ पर रुकें। अब वो लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, उन्हें भी परेशानी हो रही है और पुलिस वालों को भी परेशानी हो रही है। तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है ना कि इंसानियत के नाते कुछ तो करें। सरकार इसमें कुछ क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन हम सबको भी तो इसमें भाग लेना चाहिए ना। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ एक साथ ढेर सारा राशन ना इकट्ठा करें। कितने लोग ऐसे हैं कि ये सोच लिए हैं कि अब तो हमें राशन ही नहीं मिलेगा, इसके लिए जिनके घर में 10 किलो अगर राशन चलता होगा एक महीने का, तो वो 20-20, 30-30 किलो राशन लेकर बैठ गए। स्टोर करने से क्या होगा? अगर वही आप ना स्टोर करें, सिर्फ जितने आपकी ज़रूरत है उतना राशन लें, तो वो जो बाकी बचा हुआ राशन वो किसी और को तो मिल जाएगा। प्लीज़ इस बारे में ज़रा सा सोचिए, ताकि जिस तरीके से हमारे घर में हमारे घर की फैमिली का पेट भर रहा है, वैसे उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने बूढ़े होंगे, ज़यीफ़ लोग होंगे, उन्हें कितनी दिक्कत होती होगी। वो भी तो हमारे देश के हैं ना, वो भी तो इंसान हैं। प्लीज़ एक बार उनके बारे में सोचिए। और आपके आस पड़ोस में जो दुकानदार सबसे ज़्यादा, कोई कोई ऐसे है ना कि जो 50 रुपये का चीज़ है उसको वो 60-70 रुपये में बेच रहे हैं, अगर ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ उनके खिलाफ़ कंप्लेन करें। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? किसी एक को तो उठानी पड़ेगी ना। तो प्लीज़ कोई एक तो आगे आए, एक कोई आगे आएगा तो इसके पीछे हजारों आ जाएंगे। तो ये दुकानदार जितना कर रहे हैं ना, शांत हो जाएंगे। एक रिक्वेस्ट मेरी एक और भी आपसे है कि हो सके तो प्लीज़ एक टाइम का खाना ना खाएं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रोज़ ना खाएं या हफ्ते में एक दिन ही ना खाएं। जब रमज़ान आ ही रहे हैं, नौरात शुरू हो गए हैं, एक टाइम का खाना ना खा कर ना, हम ये जो मज़दूर जा रहे हैं ना, हम इनकी भी मदद कर रहे हैं। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर करें, ताकि इस वीडियो के ज़रिए किसी और का भी भला हो सके। कोई तो समझे, कोई एक भी इंसान अगर ये बात समझ लेगा ना, तो क्या पता वो इकट्ठा ना करे राशन और उससे वो और भी लोगों को समझाए। थैंक यू, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।